हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप इस देखने सामने फ्रंट में हम श्री कर्णेश्वर महादेव मेला श्रीनगरी सिहाओं में हैं, और ये जो सामने दिख रहे हैं एक छोटा सा कुंड है ये। तो आज हम मांघी पूर्णिमा के दिन आज हम नहाएंगे कहाँ, महानदी रिवर में। तो मेरे पीछे से दिखने काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो देखिए आप भी महानदी रिवर को। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं जो महानदी काफ़ी अच्छा। आज हम यहाँ नहाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो ये जो मेला भी बहुत अच्छा। तो ये देख रहे हैं आज हम नहा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने भी बहुत नहाया यहाँ पे। तो आज हमारे महानदी ट्रैक ब्लॉक में ये जो है आज पुन्नी मेला है और मैंने भी नहाया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो आप लोग भी देखिए कितनी अच्छी है। यहाँ पे हम स्नान करने के बाद देखते हैं कि जो सभी जो आसपास के जो देवी देवता है कितने पारंपरिक तरीके से यहाँ पुण्य स्नान के लिए इस नदी में महानदी में उतर रहे हैं। और देखिए पीछे पीछे काफ़ी जो देवी देवता हैं, डांग वाले हैं, जो सभी अपनी देवी देवताओं को इस जो फरवरी मंथ में अपने पुण्य स्नान के लिए इस महानदी में पवित्र नदी में मांघी पूर्णिमा स्नान के सभी देवताओं का यहाँ का स्नान कराया है। और फिर उसका पूजा अर्चना करके यहाँ जो हम आगे जाएंगे कर्णेश्वर महादेव मेला शिव शंकर भगवान में, वहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए कितने लाइन से यहाँ जो लोग जा रहे हैं अपने पुण्य स्नान करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए और बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो सभी देवी देवता हैं, अपने क्षेत्र के देवी देवता हैं, यहाँ जो महानदी में उतर चुकी हैं। और मैं सबको सामने से दिखा रहा हूँ कि जो देवी देवता हैं यहाँ पे किस तरह से स्नान करने के बाद अपने देवी देवताओं की पूजा की अर्चना कर रहे हैं। और काफ़ी लंबे लंबे यहाँ पे डांग भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे जो स्नान है पुण्य स्नान चल रहा है। अब यहाँ पे सभी देवी देवताओं की पूजा करने के बाद यहाँ हम जब पेड़ नीचे पहुँचते हैं तो यहाँ जो देवी है देवता है काफ़ी झूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पुण्य स्नान करने के बाद यहाँ देवता एकदम तरोताजा होकर यहाँ पे आपस में एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो ये जो सभी लोग देख रहे हैं देवताओं के ऊपर सवार है और ये काफ़ी झूम रहे हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगे इनको देखते हुए, जैसे कि आप लोग भी देखिए। और स्नान करने के बाद जैसे कि जो स्नान करके आ रहे थे यहाँ पे, आप जो चावल के दाने देखें तो आप यहाँ पे चावल के दाम में जाना होते हुए चले। और यहाँ पे हम शिव भगवान महादेव की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम सीधे मंदिर के अंदर इंट्री होते हैं। ये कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, यहीं पे भगवान शिव की यहाँ पूजा अर्चना होती है। तो सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित होकर डांग से यहाँ लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ काफ़ी प्राचीन मूर्ति है शिव मंदिर यहाँ कर्णेश्वर मंदिर में। तो मैंने भी यहाँ पे देखा, तो सामने श्रृंगी ऋषि आश्रम श्रृंगी ऋषि की का एक स्टेचू है, मूर्ति है जो काफ़ी हजारों साल पुरानी मूर्ति है, चावल चढ़ाने और फूल चढ़ने में। तो यहाँ पे मैं मंदिर के अंदर प्रवेश किया, मैंने मंदिर के अंदर तो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी हमारी ट्रेडिशनल परम्परा है और काफ़ी मंदिर होती है जो आस पास के जो भी छोटे छोटे गाँव के लोग हैं सब जो पुण्य मेला स्नान करने आते हैं और श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करते हैं। हम मेला आनंद उठाते हैं।
अभी यहाँ पे मैं हम मंदिर के बाहर लाइन लगा रहे हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगा रहे हैं तो अब हमने भी यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और हम मंदिर के अंदर सीधे प्रवेश कर चुके हैं। जैसे मेरे हाथ में ये फूल और नारियल है तो आप मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और सामने देखिए कर्णेश्वर महादेव का मंदिर, जो अंदर जो कलश में रखे हुए तो यही है कर्णेश्वर महादेव जो हमारा शिवलिंग आराध्य। तो काफ़ी अच्छा लगा शिव भगवान के दर्शन करके और हमने मनोकामना यहाँ पे अपनी मन्नत मांगी। तो इससे भी और स्पष्ट चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ जो काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए, ये है कर्णेश्वर महादेव जो काफ़ी प्राचीन हजारों साल पुराना है। तो ये हमारे शिव भगवान जी हैं, कर्णेश्वर महादेव का मंदिर। तो आप लोग कैसे लगा जरूर बताइए, जो काफ़ी सजा धजा है आज के दिन पुण्य में लग दिन। दूसरे मंदिर में जाने पर हमें भगवान श्री राम काफी प्राचीन होंगे। इसके बाद हम मंदिर के सीधे बाहर आते हैं तो और भी मंदिर हैं जो भगवान नंदी की जी मूर्ति है, जैसे कि मैं कैमरा ऊपर यहाँ पे देखिए भगवान नंदी की कितनी सुंदर प्राचीन मूर्ति है, ये भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बगल में जो तैरता हुआ पत्थर है यहाँ पे देखिए, जो राम सेतु पत्थर, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ आप जब भी कर्णेश्वर महादेव का मंदिर आएँ इसको जरूर देखें। और इसके बाद हम यहाँ जैसे प्रांगण में आते हैं, यहाँ बहुत सारे देवी देवता हैं, डांग लेती हुई झूमे, तो आप इस जो डांग देवी देवता इसका भी आप आनंद लीजिए। इस तरह जो कर्णेश्वर महादेव के प्रांगण में बहुत सारे डांग देवी देवता झूमते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगा आज का जो पुण्य मेला स्नान में हमने भगवान शिव शंकर के दर्शन भी किया। और आप लोग बताइए कि जो आपको कर्णेश्वर महादेव का मेला कैसा लगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में सीधा मैं आपको मेला ले चलूँगा, आज के दिन तो हमें सिर्फ यहाँ पे पुण्य स्नान मेला में यहाँ पे हमने क्या स्नान किए। तो नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत अच्छा